हेलो दोस्तों, फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं विश्व के प्रमुख राजनेता जी, विश्व के प्रमुख राजनेता जिनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी को। जी हाँ, महात्मा गांधी जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। मृत्यु का कारण था मानव हत्या, जिसे आप बोल सकते हैं बैलिस्टिक आघात। मानव हत्या जो की थी महात्मा गांधी जी की, जो हत्या वो था नाथूराम गोडसे। जी हाँ, उनका नाम था नाथूराम गोडसे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा थी वो थी स्कूली शिक्षा, उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से की, और कॉलेजी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से पूरी की। अब महात्मा गांधी जी के व्यवसाय की बात करें तो उनका व्यवसाय था राजनीतिज्ञ थे, बैरिस्टर थे, पत्रकार थे, दार्शनिक थे और लेखक थे। ये उनके व्यवसाय हैं। अब राजनीतिक पार्टी की बात करें तो उनकी जो राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राजनीतिक पार्टी है वो इस पार्टी को से संबंधित है उनकी राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उनकी जीवन साथी का नाम था कस्तूरबा गांधी और उनके माता पिता का नाम था करमचंद गांधी पिता और पुतली बाई माता का नाम था। जी हाँ, ये पहले राजनेता हैं इंडिया के जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले राजनेता की बात करते हैं तो अगले राजनेता हैं जॉन एफ कैनेडी। जी हाँ, जॉन एफ कैनेडी जो हैं वो यूएस के राष्ट्रपति हैं, 35वीं अमेरिकन राष्ट्रपति थे। और जॉन एफ कैनेडी का जो जन्म है वो 1917 में हुआ था, ब्रुकलिन में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1963 में, इनकी मृत्यु हुई तब ये 46 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु टेक्सास शहर के डलास में हुई थी और इनके जन्म का नाम जो है वो है जॉन फिट्ज़ गेराल्ड कैनेडी, और इनका राजनीतिक जो दल है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे बात करते हैं तो इनकी जीवन संगी का नाम है जैकलिन बोवियर। इनका पेशा था राजनेता था और इनका धर्म है कैथोलिक। जॉन एफ कैनेडी जो थे वे अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे व दूसरे युवा राष्ट्रपति जी थे जॉन एफ कैनेडी। उनकी टेक्सास शहर के डलास में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में प्रयागराज में, और इनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 में नई दिल्ली भारत में। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु इनके सरकारी आवास में ही इनके खुद के अंगरक्षकों द्वारा ही गोली मारकर इनकी इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आपको भी पता नहीं होगा इंदिरा गांधी जी का फुल नेम, इंदिरा गांधी जी का फुल नेम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। जी हाँ, नोट कर लीजिए इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, ये इंदिरा गांधी जी का पूरा नाम है। इनके जीवन संगी इनके पति का नाम है फिरोज गांधी, इनके पिता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता का नाम है कमला नेहरू। इनकी शैक्षिक संबद्धता है सोमरविल कॉलेज
ऑक्सफोर्ड से। इनके बच्चे, दो बच्चे हैं, बच्चों के नाम हैं राजीव गांधी और संजय गांधी। तो ये थी इंदिरा गांधी। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के पुत्र राजीव गांधी जी की। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन जरूर दबाएं। राजीव गांधी जी भारत के सातवें प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, राजीव गांधी जी भारत के सातवें प्रधानमंत्री जी थे। इनका जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में। जी हाँ, इनका राजनीतिक दल था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इनकी जीवन संगी का नाम था सोनिया गांधी। जी हाँ, अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु 21 मई 1991 ईस्वी को हुई, तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुई। और इनकी मृत्यु एक आतंकी संगठन लिट्टे की एक आतंकी महिला के द्वारा बम से इन उड़ा दिया गया राजीव गांधी जी को। तब इनकी मृत्यु तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुई। आगे बात करते हैं बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। जी हाँ, बेनजीर भुट्टो थी पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इनका जन्म हुआ 21 जून 1953 में कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी पाकिस्तान में। एक राजनीतिक रैली के दौरान उन्हें गोली मारकर उनकी बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। बेनजीर भुट्टो की जीवनी देखिए, इनका राजनीतिक दल था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। इनके जीवन संगी का नाम था आसिफ अली और इनका धर्म था इस्लामिक धर्म। इनकी कंट्री थी बेनजीर भुट्टो की वो थी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे बात करते हैं ओलोफ पाल्मे। स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, ये दो बार प्रधानमंत्री बन चुके थे ओलोफ पाल्मे। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1927 को स्टॉकहोम स्वीडन में। इनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी 1986 में स्टॉकहोम में, जब ये अपने बच्चों के साथ सिनेमा घर से वापस लौट रहे थे। तब सेंट्रल स्टॉकहोम पर इन्हें गोली मारकर ओलोफ पाल्मे की हत्या कर दी गई। इनकी जीवनी देखते हैं, इनकी राजनीतिक जो पार्टी थी वो थी सोशल डेमोक्रेट और इनकी जीवन संगी का नाम था लिस्बेथ पाल्मे। तो ये थे आज के कुछ विश्व के प्रमुख राजनेता जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाकर हौसला जरूर बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।